लोकसभा में दिए गए रमेश भदुरिया के विवादित बयान पर तूफान मचा हुआ है। दोस्तों आप देख रहे हैं सच 24 चैनल और मैं आपका दोस्त सैयद जावेद। बीजेपी सांसद रमेश भदुरिया के बयान पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं ओवैसी ने रमेश भदुरिया का विवादित बयान वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा, असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं कि इस वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं है, भाजपा एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्थल मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सुलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जमाने में यहूदियों के साथ किया जाता था। मेरा सुझाव है कि जल्द इस वीडियो को अरबी में डब करें और अपने हबीबियों को भेजें। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भी भदुरिया के बयान की निंदा की है तथा सभी सांसद का अपमान करार दिया है और रमेश भदुरिया पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। अपने शब्दों में जयराम रमेश ने कहा है कि नए पार्लियामेंट की शुरुआत भदुरिया से हुई है, उनके शब्दों से हुआ है और बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। आपको बता दें कि नए संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन गुरुवार को चंद्रयान 3 की सफलता पर बोल रहे थे, तभी BSP सांसद दानिश अली ने कोई टिप्पणी कर दी। इस पर रमेश भदुरिया भड़क गए और दानिश अली के खिलाफ विवादित शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। हालांकि अब लोकसभा के रिकॉर्ड में उनका बयान हटा दिया गया है। रमेश भदुरिया के बयान पर सोशल मीडिया में लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रतीक पटेल ट्वीट करते हैं कि सत्ता का सर्वनिकरण होने के बाद दलितों, पिछड़ों, शोषितों के साथ भी ये लोग ऐसा ही भाषा का प्रयोग करेंगे। सेंगोल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है।